हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेफिडेंशियल फॉल प्लान लेकर आया हूँ गाइज। इसका जो फ्रंट रहेगा वो रहेगा 28 फीट 5 इंच का इसका फ्रंट रहेगा। जो उसकी डेट रहेगी वो 46 फीट की रहेगी गाइज। अब आपको मैं थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बता दूँ, इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। एक हमारा इसके अंदर पॉर्च रहेगा, एक हमारा किचन रहेगा, एक हमारा ड्राई रूम रहेगा और एक इसके अंदर हमारा लॉबी रहेगी। और लॉबी से टच में हमारा ओपन एरिया, इससे टच हमारा WC और इससे हमारा ये बात रहेगा। दो इसमें बेडरूम रहेंगे, एक बेडरूम वो ये रहेगा और एक बेडरूम हमारा ये रहेगा। और इस वाले बेडरूम से टच हमारा ये स्टोर रहेगा, एक ये हमारा ओपन एरिया रहेगा। और गाइस जो हमारा आपका रहेगा वो हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है गाइस। अब गाइस आपको मैं थोड़ी इसकी डिटेल बता दूँ, इसकी डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। मेन एंट्री गेट जो रहेगा वो हमारा यहाँ से रहेगा। और जो ये हमारा पोर्च है, पोर्च की हमारी जो लंबाई है वो है 9 फीट की रहेगी इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है वो 14 फीट 3 इंच की रहेगी। ड्राई रूम की लंबाई हमारी 9 फीट 5 इंच की और चौड़ाई इसकी 13 फीट की रहेगी। किचन की लंबाई हमारी 7 फीट की और चौड़ाई इसकी 12 फीट 3 इंच की रहेगी। लॉबी की लंबाई हमारी 21 फीट 7 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फीट 9 इंच की रहेगी। ओपन एरिया की लंबाई हमारी 5 फीट की और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी। WC की लंबाई हमारी 3 फीट 6 इंच की और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी। और बाथ की लंबाई हमारी 5 फीट की और चौड़ाई इसकी 7 फीट 3 इंच की रहेगी। और फर्स्ट बेडरूम की लंबाई हमारी 13 फीट 6 इंच की और चौड़ाई इसकी 8 फीट 10 इंच की रहेगी। सेकंड बेडरूम की लंबाई हमारी 10 फीट 8 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फीट 11 इंच की रहेगी। ओपन एरिया की लंबाई हमारी 6 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी। और जो स्टोर बेडरूम से जो हमारा स्टोर है इसकी लंबाई हमारी 9 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 4 फीट 4 इंच की रहेगी। अब गाइस के मैं वेंटिलेशन और डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके वेंटिलेशन हमारे कहाँ कहाँ पर रहेंगे और डोर कहाँ कहाँ पर रहेगा, ठीक है। हमारे जो ड्राई रूम का जो डोर रहेंगे वो 2 डोर रहेंगे, एक डोर हमारा इस पोर्च से यहाँ से रहेगा और एक हमारा लॉबी से यहाँ से रहेगा, ठीक है। एक जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ से रहेगा इसका, और एक डोर हमारा इसका यहाँ से रहेगा, ठीक है। और वेंटिलेशन हमारा इस यहाँ से ओपन से रहेगा। और जो हमारा सोफ़े रहेंगे वो सोफ़े हमारे यहाँ पर रहेंगे और टेबल हमारी यहाँ पर रहेगी। और जो किचन है, किचन का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा और इसका वेंटिलेशन यहाँ ओपन से रहेगा। और जो इसका एल साइप की हमारी ये स्लेब होगी, स्लेब है, ठीक है। और जो पॉर्च और लॉबी के बीच में एक डोर हमारा यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। और ओपन एरिया ये जो है लॉबी से टच ही हमारा ओपन ही रहेगा। और जो हमारा WC है इसका डोर हमारा यहाँ से रहेगा और बाथ का डोर हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है गाइस। और जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है इसका डोर जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ से रहेगा और सेकंड डोर जो रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा। और इसका वेंटिलेशन इस ओपन से रहेगा बेड का। और जो हमारा बेड रहेगा वो बेड हमारा यहाँ पर रहेगा और मेरा जो रहेगी वो हमारी यहाँ पर रहेगी। और स्टोर का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा। और जो सेकंड बेडरूम है इसका डोर हमारा यहाँ से रहेगा और वेंटिलेशन इस ओपन से हमारा यहाँ से रहेगा। और जो बेड रहेगा वो बेड हमारा यहाँ पर रहेगा, मेरा जो रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, ठीक है गाइस। अगर गाइस आपके फ्लोर साइज सेम यही है तो आप इससे ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइस आपका फ्लोर साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है तो गाइस आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी में। जो भी गाइस आपकी रिक्वायरमेंट होगी गाइस हम उसे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर गाइस एपेक्स आर्किटेक्ट्स।